रॉयल टैडी बेसिकली काफी ज्यादा लोग जो उनसे हैं वो जिनकी मोमी चोंच होती है कबूतरों की वो कोई रॉयल करके रिंग डाला पाँव में क्लोज बैंड भी बन जाते हैं वो तो सब बनवा लेते हैं डाले तो रॉयल कर दिए बेचती है। पहली जो पहचान है जहाँ से ये रॉयल ब्रीड इमरान आलम भाई ने इंट्रोड्यूस करवाई थी ना तो सबसे मेन पॉइंट आया था ना इसमें सबसे मैंने क्या सिस्टम किया मैं आपको इसमें चीज दिखाता हूँ। अब आप ये देखें ठीक है ये मैंने टैग आ गया पाँव में बिल्कुल रॉयल टैडी का और वही जो आपने स्टार्ट में वीडियो में बात की थी कि बच्चे की आंख ऐसी होती जैसे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम बैक करते हैं आपको अपने YouTube चैनल पे। आज दोस्तों अली भाई के रॉयल टैडी के सेटअप में हम खड़े हुए हैं और ये जो उनसे शागिर्दे खास हैं रहमान भाई अली भाई के शागिर्द हैं तो ये आज ना अली भाई से हम कुछ सवाल भी अली भाई के सामने रखेंगे अली भाई जो उनसे ना हमें सवालों के जवाब देंगे कि रॉयल टैडी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लोग जो उनसे हैं वो जिनकी मोमी चोंच होती है कबूतरों की वो कोई रॉयल करके सेल कर देता है और कुछ जो उनसे हैं वो कहते हैं कि जी मैरों वाले हैं तो अली भाई की तरफ चलते हैं अली भाई से पूछते हैं डिटेल के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले तो सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जो हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं जी। तो करीम भाई सवाल आपने बहुत अच्छा किया ठीक है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ब्रीफ कर देते हैं कि रॉयल की सबसे पहले स्पेशलिटी क्या है। तो जो आजकल सब ट्रेंड चल रहा है वो आपको पता ही है कि फेक रिंग डाला पाँव में क्लोज बैंड भी बन जाते हैं वो तो सब बनवा लेते हैं डाले तो रॉयल कर दिए बेच दिए और अगर रिंग नहीं भी है तो मुंह जुबानी कह के बेच दिया कि जी ये रॉयल है ठीक है। तो बेसिकली जो है रॉयल की जो सबसे पहली जो पहचान है जहां से ये रॉयल ब्रीड इमरान आलम भाई ने इंट्रोड्यूस करवाई थी ना तो सबसे मेन पॉइंट आया था ना इसमें सबसे मेन पॉइंट वो इनकी प्रेस नोज थी ठीक है अच्छा। ये बहुत कम लोगों को इस चीज का पता है जो रॉयल के शौकीन है उनको तो मालूम है इसकी। आपको कुछ बर्ड्स में आपको दिखाऊंगा कुछ क्या बोलते जितने भी आप देखेंगे इनमें किसी की आपको जो हम इसको पंजाबी में वर्ड बोले थे लोग कहते हैं नासे नास जो होती है नाक वो प्रेस होनी चाहिए सबसे जो मेन पॉइंट है ना जिससे रॉयल आपका इंट्रोड्यूस होता है वरना इससे पहले डॉन कबूतर थे इतने इतने कद इतनी इतनी लंबी नोके लेकिन नाक भारे थे भारे नाक थे चौड़े नथने और मोटी नासे थी उनकी जिसकी वजह से जो है ना वो बर्ड जो है वो मतलब के रॉयल नहीं थे ये रॉयल जो बने हैं तो इसी वजह से इमरान भाई ने इनको अपना ये एक नाम दिया एक टाइटल दे दिया क्योंकि उनके घर ये एक यूनिक चीज बनी जिनकी प्रेस नोज थी वहां से फिर ये वर्किंग स्टार्ट हुई है ठीक है। जो मेन जो आजकल के लिए एक बताने के लिए अच्छी बात है वो ये है कि सबसे पहले लोगों को अवेयरनेस आएगी या धोखा खाने से बच जाएंगे लोग सबसे पहले तो ये चीज है जिसमें है क्योंकि मुख्तलिफ आप देखेंगे जालदार कलरों में या मोमी नोकों में लोग कह रहे हैं ये रॉयल है ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आपको दो तीन चीजें बहुत बड़ी क्लियर कर देता हूँ रॉयल बर्ड्स की जो आईज है आपको दूसरे बर्ड्स में वो आईज नहीं मिलेंगी। अच्छा इतनी नीट आईज के पैदा होता बच्चा ही जो है वो इतना सा बच्चा उसकी आंख एनर्जी सेवर की तरह जल रही होती है मतलब फुल लाइट ब्राइट आईज होंगी इनमें रेडिश बन नहीं होता कहीं पे भी सही। मोटी आंखें होंगी ठीक है जी और साफ आंखें होंगी। उसके बाद प्रेस नोज है स्ट्रेट मोरा होना चाहिए मोरा लंबा होना चाहिए हाइट अच्छी होनी चाहिए कलर स्कीम अच्छी होनी चाहिए वो फिर मेन जो चीज आपको मैंने बताई है वो सबसे मेन पहचान ये है ठीक है जी। सारे इनके थोड़े बारीक होते हैं नोके लंबी होती है ये बेसिकली है। तो बाकी इंशाल्लाह आपको बर्ड का शौक करवाते हैं हर चीज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह बिल्कुल। मैंने माशाल्लाह से यहाँ पे जितने भी बर्ड मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ किसी एक पीस की भी जो सी है वो नाक जो सी नासा जिसको कहते हैं वो देख लें कि उठी भी नहीं है नज़र नहीं आ रही बिल्कुल। और ठीक है ये अभी आपको आंखों का पर्पले का भी शौक करवाते हैं जूम करके भी बड़ा तफसील के साथ शौक करवाएंगे। जो दोस्त चैनल पर नहीं है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ये देखिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करिएगा। अब आपको जो उनसे जी वन बाई वन जो उनसे पकड़ के शौक करवाते हैं वैसे इनका ये माशाल्लाह से जैसे बर्ड है इनको पकड़ के शौक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी जो सा अवेयरनेस के लिए लोगों को बताने के लिए दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करने के लिए इंशाल्लाह हम शौक करवाएंगे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा।
जी दोस्तों ये अच्छा अली भी बताइएगा ये मेल है या फीमेल है? ये सर मेल है, यंग पट्ठा है। अब जो मैंने आपको पहचान बताई उनमें सबसे पहले तो आप ये देखें ना, नोज देखें इसकी, बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, और प्रेस है जैसे ऊपर से किसी ने रंधा मारा हुआ है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब बहुत से तरीके होते हैं इनको दिखाने के, लेकिन फिर मैं नहीं वो चीज़ें करता, सिंपल जो बर्ड है उसी तरह दिखा देते हैं लोग जी, बिल्कुल कैमरे के ऊपर चढ़ा के बर्ड दिखाते हैं कि नोक लंबी लगे, तो जो है सो है, इसकी नोक छोटी नहीं है, आप गौर से देख लें। अभी आप दूसरा कोई बर्ड पकड़ लें तो उनके साथ इनकी नोकें मैच नहीं होती, नहीं होती, ठीक है जी। अब आप इसकी आंख देखें जी, ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी सेवर लगा हुआ, बिल्कुल जनकानी आंख है और मोटी देखें आंख कितनी है, ठीक है जी। उसके बाद आप इनकी कलर स्कीम देख सकते हैं, इसकी सिरी देखें कितनी बारीक है, सर बहुत बारीक है, ठीक है, ये भी एक इनकी प्लस क्वालिटी है, ठीक है। कलर स्कीम देख लें, अब यही बर्ड जब थोड़ा सा पुराना होगा दूसरे तीसरे साल में तो देखने से ताल्लुक होगा इसका, और ये डायरेक्ट इमरान आलम भाई से बाय किया हुआ बर्ड है, डायरेक्ट अच्छा। उनसे आया हुआ जी ये, ठीक है, जो रॉयल फैन वाले, जो रॉयल टैडी जिनके हैं, रॉयल फैन वाले भी बिल्कुल, इमरान भाई के पास पूरे लाहौर की माशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन है जी रॉयल की, अल्लाह पाक उन्हें और ज़्यादा अता फरमाए, और बर्ड्स भी ये उन्होंने उसी नाम से रखे हुए रॉयल से, ठीक है जी। ले जी अब आपको यहाँ जो चीज़ दिखानी है वो ये देखें, ठीक है, ये है जी क्लोज बैंड, ये बच्चे को डलता है, ठीक है। अब आप ये देखें इस पर वाजिया रॉयल लिखा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा जा रहा है जी क्लियरली, ठीक है जी, और ये आगे इमरान आलम भाई का नंबर है, ठीक है जी, और ये क्लियरली वाजे तौर पर लिखा हुआ है, ये क्लोज रिंग है, और ये जो सा डलता है सिर्फ तीन चार दिन के बच्चे को, मतलब मैक्सिमम 7-8-10 दिन तक के बच्चे को भी मैक्सिमम 10 दिन के बच्चे को डाल सकते हैं, उसके बाद ये रिंग नहीं डलेगा, नहीं अभी ये जो रिंग डल गया होगा ना ये निकाल सकते हैं, हड्डी थोड़ी सी मोटी हो जाती है ना, ये गुट जिसको बोलते हैं, उसके बाद आप इस पे टैग नहीं चढ़ा सकते, ये 8 mm का जो है वो इसका टैग है, ये इसके बाद चढ़ता ही नहीं है, सही, ठीक है जी। और अगर आप किसी बड़े कबूतरों को बड़े टैग चढ़े हुए देखें तो इट मीन्स कि वो फेक है, फेक है, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है जी। पेडिग्री बर्ड्स यही है कि जिनको छोटे उम्र में टैग डलते हैं, और एक चीज़ जो है मैं अपने व्यूअर से शेयर कर लेता हूँ जी, बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ताल्लुक की है इमरान भाई के साथ, बहुत अच्छा ताल्लुक है, भाइयों वाला ताल्लुक है, बड़े भाई हैं हमारे, और एक ट्रस्ट बेस पे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बंदे के घर और दूसरा तीसरा बर्ड नहीं है, टैडी रखे हैं, तो अगर चौधरी सखी साहब वाले हैं तो वो तो एक अलग सेपरेट कैटेगरी है ना, जो इस ये वाले बर्ड्स हैं ये सारे इमरान भाई के रॉयल हैं, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टैग्स दिए हैं अपने घर से, ठीक है जी। वो मेरे घर जो बेबी बॉर्न हो रहे हैं जितने ही, वो मैं जैसे बच्चे होते हैं 7-8 दिन के 9 दिन के, मैं उनको टैग पहना देता हूँ, वो मैं आपके साथ कुछ बर्ड्स बच्चे शेयर भी करता हूँ, आप देखें उनके पैरों में टैग डले हुए हैं, सही, ठीक है जी। तो ये बर्ड एक आपको दिखाया, मजीद कुछ बर्ड्स हैं वो आपको शौक करवाते हैं जी, ठीक हो गया, आप शौक करवा ले दोस्तों। ये फीमेल है एक रॉयल, इसका भी आपको शौक करवाते हैं, इसकी आँख का पर्पल का भी शौक करवाते हैं, लें जी। और एक और चीज़ है, अभी कोई पॉलिश पुलिश नहीं हुई नोक चेक करना, बिल्कुल ऐसी बर्ड लेके आ रहे हैं और शौक करवा रहे हैं दोस्तों, देखें बिल्कुल माशाल्लाह से यरकानी आंख है, मोरे की लेंथ देखें जी आप, माशाल्लाह से 1.25 inch मोरा है इसका, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी फीमेल है मेरे पास, इसने आज तक जो है वो कभी भी कोई फीका बच्चा नहीं निकाला या जीरा बच्चा नहीं निकाला, ये ज्यादा मारती ही जालदार बच्चे है, अच्छा गहरे जालदार बच्चे हैं जो यानी कि हाई क्लास क्वालिटी में काउंट होते हैं बच्चे, इसमें भी आप ये देख सकते हैं ये पाँव में टैग है जी, ठीक है रॉयल का जी, रॉयल का। अब ये चूंकि माशाल्लाह मादी 3 साल है, ये इमरान भाई का पुराना टैग है जो अब के लेटेस्ट, अच्छा ये जो सा टैग है ये उनका ही है जी, इमरान भाई का टैग है, लेकिन ये माशाल्लाह से तकरीबन 3 साल मादी है जी, माशाल्लाह ठीक है। तो जो चीज़ आपको बेसिक बताई है वो आप देख लें कि आपको बर्ड्स में नजर आ रही होगी, बिल्कुल ऐसी है, जितने कहेंगे मैं सारे दिखा दूंगा, सभी बर्ड्स सेम क्या सेम है वो, ठीक है। अब अगर मैं खाली रंग के पीछे दौड़ लगा दूं और पॉइंटों से बाहर निकल रहा हूँ, जो कि आजकल हो रहा है बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, लोग सिर्फ कलर को पकड़ के बैठ गए, रंग रंग रंग, और वो गेम अब खराब होती चली जा रही है, लोगों को समझ आ गई है, ऐसे ही कलर देख के लोग बाय कर लेते हैं, बाद में रोते हैं जी ये जी आंख में लाली है जी, ये जी नोक मोटी है, ये यूं है, ये फलां है, वो कैमरे में देखा और ले लिया हमें पॉइंट्स कोई नहीं बताता, पॉइंट्स नहीं ना, लोग पॉइंट्स नहीं देखते,
और से बाहर परिंदा आउट है, कुछ पॉइंट्स अगर आउट है, जो पॉइंट बता देंगे वो फिर वो जिनका दाल दाना चल रहा है वो फटे पे हो जाएंगे ना, सीधी सी बात है। मैंने एक दफा पहले भी तकरीबन 2 साल पहले भी इन पे वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें भी बड़ा क्लियरली सब दोस्तों को बताया था कि यार हम इसमें एक वर्ड बोलते हैं यार रिजल्ट, तो बेसिकली जो रिजल्ट है ना वो इनकी परवाजों का नहीं है यार, ये हम इनको उस सेंस में गिनते नहीं, हालांकि कबूतर है ये भी, पर पुर्जा है, हर चीज लगी हुई है, उड़ते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं उड़ते, सिर्फ ये एक एक्सपेंसिव ब्रीड है, लोग उड़ाते नहीं है, इस वजह से लोग कह देते हैं जी ये उड़ते नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छी ब्रीड है, लोग उड़ा भी रहे हैं, कुछ लोग हैं जो उड़ा रहे हैं, इनके बच्चे उनके पास उड़े हैं शाम शाम तक, ऐसा नहीं कि ये उड़ते नहीं है, लोगों ने इनको क्रॉस भी करवाया, क्रॉस करवा के मैंने सुना भी है। इमरान भाई से पूछ सकते हैं, कई उनके ऐसे हैं शौकीन जो उनसे लेकर गए जिन्होंने इनको उड़ाया, कुछ ने डायरेक्ट उड़ाया, कुछ ने क्रॉस दे के उड़ाया, तो ये उड़ते हैं, ठीक है। तो सिर्फ बताने का मकसद है कि इसमें हम पॉइंट जो गिनते हैं यार, नोक इसकी उसकी शेप कैसी है, नोक स्ट्रेट होनी चाहिए, ब्रीक होनी चाहिए, नोज प्रेस होनी चाहिए, आंखों का डायल अच्छा होना चाहिए, मोटा डायल हो, कलर स्कीम अच्छी हो, हाइट अच्छी हो बर्ड की, तो ये 4-5-6 पॉइंट्स हैं जो मिलाएं तो एक कंप्लीट बर्ड बन जाता है, कंप्लीट बर्ड बनता है, ठीक है। अब आपने वीडियो के स्टार्ट में दिखाया, कोई एक बर्ड मुझे इसमें से दिखा दें जिसका स्टैंड अच्छा ना हो, जिसकी नोक पलक अच्छी ना हो, हर चीज कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक है, और यही इन बर्ड की स्पेशलिटी है, ठीक है। अभी दोस्तों से जालदार आ रहे हैं, बिल्कुल, इन्हीं में से थोड़े कलसरे कलदुम्बे बच्चे भी आ रहे हैं, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, छोटे छोटे बच्चे काफी निकले में, ऐसे ही है दोस्तों। अभी अली बी का जो रॉयल का ब्रीडिंग सेटअप है वो भी दोस्तों को विजिट करवाते हैं, अली बी जरा टिप्स वगैरह शेयर कर दीजिएगा वीडियो में। जी जरूर सर, दोस्तों सबसे पहले तो आपने पिंजरे ये माशाल्लाह से दोस्तों अली बी का ब्रीडिंग सेटअप है रॉयल का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, और ये कहते हैं ना कि इलम जो है ना फैलाने से बढ़ता है, कम नहीं होता, ठीक है। तो माशाल्लाह अली भी, अब आप आगे शुरू करें, किस तरीके से आपको ये आपका अपना आइडिया है ये वाला? सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि ये सबसे पहले जो ना ये मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट तो आपको पता है 15 साल से शौक कर रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद सोचा कि क्या होना चाहिए कि हम बेटर ब्रीड ले सकें, बेहतर से बेहतर, ठीक है। अब होता क्या है, नॉर्मली एक खाना है सिंपल सा, उसमें अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं मादी अगले अंडे उतार देती है, वो बच्चे जो है वो अंडे गंदे कर देते हैं, तो मैंने क्या सिस्टम किया, मैं आपको इसमें चीज दिखाता हूँ। अब आप ये देखें, ठीक है, ये मैंने सेंटर में जो है ना ये फट्टी लगवाई, ठीक हो गया। अब आप गौर करें, अब इसमें एक बच्चा घूम रहा है, ठीक है जी। अब होता क्या है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो मैं बच्चा इस तरफ से उठा के इधर रख देता हूँ, तो माँ बाप इधर चौगा देते रहते हैं। अब यहाँ देखें, मादी ने नए अंडे उतारे में और अंडे फर्टाइल हो गए, बिल्कुल, ठीक है जी। इसी तरह आप ऊपर देख सकते हैं, वो सामने भी एक बच्चा निकला हुआ है। अब जैसे ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं इस बच्चे को उठा के बॉक्स से इस तरफ बाहर रख दूंगा, ठीक है, और मादी जो है वो रिलैक्स हो जाएगी, तब तक वो अगले अंडे उतार, बच्चे तंग नहीं करेंगे, बच्चे अंडे को नहीं लगेगा, अंडा गंदा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। मेन चीज, अब इसी तरह आप इधर आ जाएं, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। अब ये देखें माशाल्लाह से, यहाँ भी बच्चे ऊपर भी देखें, ठीक है, ये देखें माशाल्लाह, अब ये देखें जी, ये बच्चा देखें जालदार, ठीक है, चलें इसके अंदर मैं आपको वो, अब आप आगे नजर मारे वो देखें, अगला अंडा आ गया जी, ठीक है। अब बच्चा इस तरफ पड़ा हुआ है, इसको उठा के इधर कर देंगे, नेक्स्ट जो है वो चलता रहेगा सिस्टम। ले सर जी, यहीं पे देख लें माशाल्लाह, ये देखें जी टैग आ गया पांव में, बिल्कुल रॉयल टैडी का, ठीक है जी। अब जिस भाई ने तस्दीक करनी है वो भी कर सकता है, आप बेशक इमरान भाई से पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। इसकी नोक देख ली, और सबसे मेन जो चीज है वो जो आपने बताई थी बाहर, इसकी नासें चेक करें, हाँ जी, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मोरा देखें कितना अच्छा स्ट्रेट, और नासें बिल्कुल नहीं है, और वही जो आपने स्टार्ट में वीडियो में बात की थी कि बच्चे की आंख ऐसी होती जैसे लाइट है, बिल्कुल बल्ब लगा हुआ। अब इस बच्चे की आंख देख ली, कितने दिन का बच्चा है अभी से, बिल्कुल, और शाइन देखें इसकी आंख में माशाल्लाह जबरदस्त, ठीक है। यही होता है कि यार अच्छे जो ब्रीडर है ना उनसे ये बातें सीखने को मिलती है, बिल्कुल। बाकी ये देखें माशाल्लाह से, यहाँ पर इधर भी बच्चे दोनों, ये भी रॉयल वाले, सभी के नीचे बच्चे माशाल्लाह से जबरदस्त माशाल्लाह, ये बहुत जबरदस्त, ये देखे ना अलमारी सी बनाई है अली भाई ने, ये मेरा अपना आइडिया जी, ये आपका अपना आइडिया। और जब ये केज मैंने बनवाए थे, अभी ये मेरे घर नहीं थे आए, तो जिस कारपेंटर ने बनाए थे, दोस्त है वो भी बहुत अच्छे, तो उनकी शॉप पर ही बुकिंग होना शुरू हो गई थी। अच्छा, उनकी शॉप पर इन केजेस की बहुत बुकिंग हुई, जिसने भी देखे बहुत पसंद किए, लाहौर वुड केज के नाम से उनकी आईडी है, उस पर आप जाके देखे, तो बहुत ज्यादा उन्होंने इस तरह के केज बना के फिर सेल भी की है बाद में ना। सही, तो ये मेरा अपना आइडिया था, इसको लेके अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला, और मैं बहुत मुतमईन रहा हूँ इसमें, इसमें ब्रीड बहुत अच्छी आती है, बर्ड डिस्टर्ब नहीं होते। ये बाकी बर्ड है अली पी के माशाल्लाह,
ये देख लें माशाल्लाह से एक बर्ड। इसमें क्वालिटी जो इनकी जो मेन है ना वो ये है कि अगर मैं भी अभी यहाँ पे फिजिकली खुद खड़ा हूँ, मैं एक बर्ड पकड़ के देख के छोड़ूंगा, मुझे वो बर्ड पहचाना नहीं जाएगा कि वो कौन सा। ठीक है, माशाल्लाह सेम स्टैंडिंग, सेम कलर्स, सेम ओवरऑल बर्ड जो ना सेम है, हड्डी जोड़ की तरफ से भी इवन के सेम है माशाल्लाह। ले दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।